सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख विरसे दियां साढ़े खास पेशकश दे विच। इस खास पेशकश दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते हफ्ते विच जिहड़े भी काम किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किहड़े काम किए गए पूरी खबर ते नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम गूंजा सिख विरसे दियां। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कमेटी के एक बार फेरबदल देखने को मिले। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अस्तीफा दे के भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो उत्थे ही मनजिंदर सिंह सिरसा के अस्तीफे तो बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नवा प्रधान चुनन की मांग उठी है। हरमीत सिंह कालका ने नवे प्रधान बनाने की गल कही है। हरमीत सिंह कालका ने कहा कि सरकार लगातार सिखा के मसलों के दखल अंदाजी कर रही है, नाल ही प्रधान की चोण होने तक कार्यकारी प्रधान लाया जाए, यह भी गल आखी गई है हरमीत सिंह कालका वालों। तो नाल ही हरमीत सिंह कालका ने कहा कि सिरसा का भाजपा के विच जाना उन्हां दा निजी फैसला है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने एक इस्तीफा दे के अपनी सेवा मुक्त वसे इतने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लिखी है चिट्ठी, और इस गल के उत्ते उन्होंने वर्णन भी उस चिट्ठी के विच देता कि मैं आने वाली चोणा जिहड़ियां ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां इंटरनल नहीं लड़ांगा। मगर यह चिट्ठी मिलने तो बाद जिस तरीके दे नाल कार्रवाई करन वास्ते अगे असी लीगल ओपीनियंस लई है, किधरे ना किधरे इहो जिही गल समझ आ रही है कि सानू इहदी लीगैलिटी विच जा के इहदा फैसला लैना पेगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी के चुके हुए फैसले कई बार नुकसानदायक हो जाते हैं। सो जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच, इहदे विच मैं समझदा कि किधरे ना किधरे सरकारां दीआं दखलअंदाजियां जिस तरीके दे नाल लगातार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन दे विच इनवॉल्वमेंट हुई है सरकारां दी, भावें केंद्र की सरकार होए भावें दिल्ली की सरकार होए, सीधे तरीके ते असिधे तरीके दे नाल वख-वख तरीकियां दे नाल यह हमला किया गया और कोशिश की गई कि श्रोमणी अकाली दल नूं किसी ना किसी तरीके रोकया जाए, जो वाकई ही बहुत निंदक योग है, क्योंकि इन्नी वड्डी संगत वालों मैंडेट मिलने तो बाद जिस वक्त पार्टी दे 27 कैंडीडेट जित के आए हैं और उस तो बाद लगातार 3 कैंडीडेट का इजाफा होर होया, साढ़े विच सरदार सुखबीर सिंह जी कालरा साहब जी का शमूलियत पाई, 2 कैंडीडेट एक ऑप्शन दे रही थी, एक नॉमीनेशन जिहड़ा श्रोमणी कमेटी वालों होया, उहदे उत्ते बार बार चैलेंजेस करते हुए सरकारां ने जिस तरीके दे नाल दबाव पाया, यह समझ च आंदा है कि किधरे ना किधरे सरकारां दी अपनियां की साजिशां ने। सो अज देश इस्तीफे तो बाद कोई ना कोई होर खुलासे अगे होने वाले जिहड़े सामने आउणगे, मगर अज पूरी कमेटी ने मिलकर फैसला किया कि सानू लीगल ओपीनियन लेंदे हुए कोर्ट के मूव करना पेगा और असी एक या दो दिन मैक्सीमम कोर्ट के जावांगे और इस गल को सुनिश्चित करावांगे कि जल्द तो जल्द ये इलेक्शन कराई जाए। डायरेक्टर साहब नू भी इस गल की असी मीडिया राही भी बेनती करांगे, लिखित तौर के उत्ते भी ये गल करांगे कि जिस तरीके दे नाल संगत वालों दिए गए इस मैंडेट को गुरद्वारा प्रबंध को चलाने के मुश्किल आ रही है, वो किधरे ना किधरे तुहाडे दफ्तर वालों भी घाट हुई है और इस पूरे करते हुए जल्द तो जल्द इस प्रबंध को चलाने वास्ते सानू पूरे इख्तियार दिए जाण, साडा नवा हाउस बनाया जाए, क्योंकि जनरल हाउस बुलाए बिना ना ही तो किसी ऑफिस बेयरर का इस्तीफा मंजूर हो सकता और ना ही अगले प्रबंध चल सकते हैं। सो जो एक क्राइसिस आए हैं ये उत्ते सानू बड़ी संगीदगी और सारी पार्टी ने एक फैसला लिया है। अज समुची पार्टी के जिन्हें जीते हुए मैंबर साहिबान बैठे ने इत्थे, मैनू बड़ी खुशी है कि अज सारे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के रहनुमाई के जिस तरीके इलैक्शन जीत के आए सी, अज भी सारे एकमुट होकर खड़े है, मैं उन्हां दा भी सारिआं दा धन्नवाद करदा और सरकारां नूं भी इस गल की जिथे बेनती भी करदे आ चेतावनी भी दिंदे आ कि ये जिहड़ियां तुसीं दखलअंदाजियां कर रहे हो ये सिट्टे कोई चंगे नहीं होणगे आने वाले समय के
ये क्योंकि कई गल्ल जो उदा का रिजल्ट बाद चो आ धीरे नाल आंदा मगर अज जिहड़ा ये काम होया किसी ना किसी तुहाडी सरकारी इनवॉल्वमेंट करके भी होया। सो असी यही कोशिश करांगे कि जल्द तो जल्द इस प्रबंध नूं चलाउण वास्ते कोर्ट भी मंजूरी देवे और डायरैक्टर साहब भी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा सकन। मैं बड़ी क्लैरिटी करदा कि मीत प्रधान चाहे सीनियर मीत प्रधान होए उन्हां नूं पावर जद तक प्रधान डेलीगेट नहीं करता उन्हें कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सिर्फ प्रधान और जनरल सैकटरी कोल पावर हैगी ने जिहड़ियां उह यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट सैकटरी जनरल सैकटरी ने पावर देनी होंगी है, मीत प्रधान प्रधान ने देनी होंगी है। जे प्रधान अगर दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मीत प्रधान कोई पावर दिता है तो वो अपनी लुकआउट है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी राइट नहीं है एज मीत प्रधान वर्क कर। देखो इशू एक दे नाल एक रिलेट किए जा रहे हैं, तुम इशू सिर्फ एक बंदे दे नाल ना समझो, इशू पूरी पार्टी दे नाल है। इशू अगर यह ना होंदा तो ड्रॉ दे विच निकले हुए बंदे जिहड़े साडे बैठे है सरदार कश्मीर सिंह जी, सरदार मलकीत सिंह जी, जिन्हां दा राइट बंदा है, इस राइट नूं खोण दे भी गल डायरैक्टर साहब ने की है, सरकारां ने की है, मगर असीं उहदे विच भी कोर्ट च लड़ाई लड़ रहे हैं। सो इहदा भी फैसला जल्द तो जल्द कराउण वास्ते उन्हां नूं बेनती करांगे, और अगर फैसला नहीं हो सकता इन्हां दी अगर लिटिगेशन नहीं जाना लंबा पैना तो असी 49 मैंबरां दे विच भी हाउस बना के सरकार कोर्ट सुनिश्चित करे कि इलैक्शन कराई जाए ताकि प्रबंध तरीके दे नाल चल सकन। जिन्हां दा राइट है जिहड़े इलैक्शन जीत के आए ने, जिन्हां नूं संगत ने फतवा दिता है, वो अपना राइट यूज़ करके संगत की सेवा दे विच दोबारा लग सकन। गुंजा सिख वरसा दीआं साडी खास पेशकश इसे तरह जारी रहेगी, फिलहाल रुकते हैं ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और भाई वीर सिंह साहित सदन वालों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पुरब को समर्पित एक प्रदर्शनी लगाई गई। यह प्रदर्शनी गुरद्वारा बंगला साहिब विखे लगाई गई। इस प्रदर्शनी के श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन नाल जुड़िया घटनावां दी पेंटिंग्स भी रखिया गई। इस मौके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका भी पहुँचे तो भाई वीर सिंह साहित सदन के मैंबरों वालों इस गल की शलाघा की गई कि असी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का तह दिलों धन्यवाद करते हैं जेडे वो हर बार साडा सहयोग देंगे ने ते असी इस इतिहास नूं लोकां तक पहुँचाने। गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जी प्रदर्शनी की आरंभता हुई है, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब की जन्म शताब्दी लैके की गई है शुरुआत, और चित्र प्रदर्शनी जो समुचा इतिहास है सिख इतिहास गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, और जड़िया उन्हों जगावान ने जिथे ठहरे ने जिथे उन्होंने इतिहास रचिया वो सारी जगह की प्रदर्शनी की है, शुरुआत की है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सहयोग लैके भाई वीर सिंह सत्य साहित्य सत्य केंद्र वालों ने, और उन्होंने डायरैक्टर सरदार मोहिंदर सिंह जी, वाइस प्रेजिडेंट एच एस नाग साहब, और जी प्रचार है मैं समझदा कि एफ जी संस्था ने जिस तरीके दे नाल अपनी जिम्मेवारी फड़ी हुई है पिछले कई सालों तो, और लोगों के विच अपने साहित्य नूं लैके जाना संस्कृति नूं लैके जाना एक बहुत वड्डी गल है, और असी इन्हां दा धन्नवाद करदे हां कि यह जिहड़ी चित्र प्रदर्शनी है जिन्होंने स्थापित की है लखां लोग इत्थे आ के इहदा लाह लै सकते हैं, और अपनी संगत इत्थे आ के इस गल दे गुरु इतिहास नाल जुड़ सकती है। सो मैं अज दे दिन दी समुची संगत नूं वधाई दिंदा। गुरु तेग बहादुर साहब दे 400 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित इहो जिहड़े भी काम पिछले एक साल तो शुरू किए गए, कोविड करके कई जगावां ते विच असी कार्य पूरे नहीं कर सके, मगर
कमेटी ने फैसला लिया कि वड्डे पद्धर के उत्ते इस शताब्दी नू अगले अगे आने वाले समय च मना है और जिदे समागम भी वे वे रखे जा रहे हैं और जिथे गुरु के महल तो लैके जड़ा गुरु तेग बहादुर साहब का संस्कार का स्थान है लखी शाह बंजारा हॉल के विच तक गुरद्वारा रकाबगंज साहब ये सारे समागम किए जाएंगे। सो मैं भाई वीर सिंह साहित्य सदन वालों आए हुए सारिया का धन्यवाद भी करता, उन्होंने शुक्रगुजार करता कि किस तरीके दे नाल इन्होंने प्रदर्शनी लाई है, बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद है। गुरुद्वारा कमेटी तो अपने मित्र सर हरमीत सिंह जी धन्यवाद करदा कि जिन्होंने एक तो सानू वधिया शमैना लगवा दिता तो खुद वक्त कढ़ के बड़े शौक नाल सारी प्रदर्शनी देखी है। आस करते हैं संगत देखेगी। एक गलों असी बड़े वडभागी हाँ कि सानू अपने जीवन काल विच सिख इतिहास के महान दिहाड़े मनाने का अवसर मिले है। 1966 विच गुरु गोबिंद सिंह के शस्त्र आए इंग्लैंड तो असी दर्शन किए, उस तो बाद वड्डियां घटनावां हुई खालसे दे साजना दे 300 साल, गुरु ग्रंथ साहिब दी स्थापना दे 400 साल, गुरु नानक साहब दे प्रकाश उत्सव 550 साल, तो हुण गुरु तेग बहादुर साहब दे प्रकाश उत्सव 400 साल। इस गलों सदन बहुत खुशकिस्मत है कि देश दे एक महान गुरसिख डॉक्टर मनमोहन सिंह दे प्रधान हन जिहड़े कि आशीर्वाद दिंदे हन, ते नाल साडी किस्मत चंगी है कि गुरद्वारा कमेटी हर फंक्शन में सानू सहयोग दिंदी है, जगह दिंदी है, माइक सहायता करती है। तो हुण सर हरमीत सिंह ने वादा किया है एक बड़े पैमाने पर असी सेमिनार रल के करांगे। आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने सिखी इतिहास को देखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बड़ों से सबसे पहले सीख मिलती है कि हम बड़ों से ही सीखते हैं, और फिर जब ऐसी एग्जीबिशंस में आते हैं तो उनको देख के हमें और ज़्यादा जिज्ञासा होती है, और जो चीज़ें नहीं पता है रीड करते हैं पढ़ते हैं समझ में आता है तो अंदर से एक रोंटे खड़े होते हैं, फीलिंग्स आती है कि हमारे गुरुओं ने बहुत शहादत दी है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अगर बच्चे ऐसी जगह पर नहीं भी आते तो उनके पेरेंट्स को लाना चाहिए, करना चाहिए आगे, और इसको देखें सीखें और अपने बच्चों को भी आगे समझाएं सिखाएं सब कुछ करें। सानू एग्जीबिशन वेख के यह मैसेज मिलता है कि सानू अपनी सिखी से प्राउड होंगे सब तो पहला कि हाँ असं सिख है। इस एग्जीबिशन वेख के सानू पता लगता है साडे गुरुआं ने साडे लिए की किया है। गुंजा सिख वरसे दियां साडी खास पेशकश इसे तरह जारी रहेगी, फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली स्थित गुरद्वारा भाई लालो जी राणी बाग विखे श्री गुरु नानक देव जी के 552 प्रकाश पर्व में मुख रखते हुए कीर्तन समागम करवाया गया, जिस दे विच दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई मैंबर पहुंचे ते नाल ही संगत वालों भी वड्डी गिणती च हाजरी लवाई गई। I'm not afraid of the dark.
सब तो पहला तो मैं समुची संगत को बधाई देना गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पुरब की, और ये प्रकाश पुरब के जोड़े प्रोग्राम है अज गुरद्वारा भाई लालो जी का राणीबाग विखे कराया जा रहा, और जिस तरीके इतने संगत पहुँची है ये वाकई ये गल लोगों के दिलों से एक बैठी हुई है कि गुरु नानक देव महाराज जी ने जिस तरीके दे नाल जो सानू टीचिंग्स दतिया ने उदे उत्ते असी जीवन चलाई है, और अज देखो जिस किस्म के नाल प्रवृत्ति दे विच किस किस्म की अज चेंजेस आ रही ने, और इस गल नू अज तो 550 साल पहला गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पुरब तो ही चेंजेस नज़र आनी शुरू हुई, उस वक्त के अंधकार को दूर किया, उस वक्त आके जी समाज में नवी चीज़ दे के गए और उद्देश्य दे के गए किरत करो नाम जपो और वंड छको दी। तो मैं समझदा कि अगर असी अपने जीवन के एक इस उद्देश बना के चलीए तो सारे सारिया का जीवन सफल है। सो अज मैं जिथे गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पुरब की इतनी संगत को बधाई दिना, सारे दर्शकों को बधाई दिना, यही असी अरदास करांगे कि सारे मिल के एक गुरु नानक देव महाराज का चलाया जिहड़ा पंथ है यदि चढ़ती कला की असी अरदास करते हैं। अज जिथे बधाई देना सारी संगत को, इतने बड़े उत्साह नाल अज देख रहे हैं कि राणीबाग और नेड़े इलाकों चो संगत इतने पहुंची है, और रमीत सिंह चड्ढा उन्होंने सारी टीम इतने समागम सेवावान निभा रहे हैं। मैं जिथे बधाई देना उत्थे महाराज के सारे प्रकाश पुरब की सारी समूह लुकाई में बधाई भी देना, तो आस करते हैं कि गुरु महाराज के दसे हुए राह ते असी सारे चल सकी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 552वें प्रकाश पुरब से जो इस खास मौके पर साढ़े वड़े वीर सरदार समाटी चड्ढा जी वालों खास समागम जिहड़ा कराया जा रहा है, मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। इसी तरीके नाल गुरु की संगतों को गुरु के चरणों नाल जोड़न का बहुत अच्छा उपराला कर रहे हैं, तो इस खास मौके पर साढ़े पार्टी प्रधान दिल्ली के सरदार हरमीत सिंह कालका जी भी खास तौर पर पहुँच रहे हैं। आप सारिया गुरु नानक देव जी प्रकाश पुरब दियाँ लख लख बधाइया देना। राणीबाग की संगत अज गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा 552 प्रकाश दिहाड़ा अ राणीबाग की संगत मना रही है बड़ी श्रद्धा और धूमधाम नाल, जिस विच उचेचे तौर पर भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी हाजरी पा रहे हैं। संगतां दा ठाठा मारदा हुलारा अज ये दस रहा है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ने किन्नी साढ़े वास्ते किन्नियां कठिनाइयां कीतियां, जिस करके असी अज उन्हां नूं याद करते हुए ये प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। साढ़े विच उचेचे तौर पर सरदार हरमीत सिंह कालका जी प्रधान श्रोमणी अकाली दल जनरल सैकटरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, साढ़े विच सरदार विक्रमजीत सिंह जी रोहिणी, सरदार सरबजीत सिंह जी विरक जी, साढ़े बहुत ही सीनियर आगू सरदार MPS चड्ढा जी, वो भी उचेचे तौर पर इतने गुरु नानक देव जी के गुरपुरब से हाजिर बन आए हैं। मैं सारिया संगतान को गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की लख लख बधाई देना। गूंजा सिख विरसे दियाँ साड़ी खास पेशकश के बस एना ही। जेकर तुम सानू या दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इस प्रोग्राम के संबंधी कोई सुझाव या राय देना चाहते हो तो साढ़े ईमेल पता नोट कर लो। साढ़े ईमेल पता है feedback@PTCnetwork.com। फिलहाल दी इजाज़त, अगले हफ्ते खास पेशकश लैके मुड़ तो होवांगे हाज़र। धन्यवाद।